हाँ जी नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 विषय गणित उसके अंतर्गत सांख्यिकी की अध्याय 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के मान आपके पुस्तक में केंद्रीय प्रवृत्ति के नाम से ये प्रश्नावली है, इसको हम सांख्यिकी के रूप में इस प्रश्नावली को समझ सकते हैं। अपन सांख्यिकी में हम आज क्या है उदाहरण के रूप में 8 क्रमागत विषम संख्या दे रहे हैं। जो क्रम क्या है लेकिन संख्या कितनी है 8 और संख्या सारी कैसी है विषम और उसका औसत बराबर दिया हुआ है 16 ठीक है। और हमारे को क्या करना है संख्या ज्ञात है, ये उदाहरण के रूप में उदाहरण 3 है 8 क्रमागत है विषम संख्या है और उनका औसत अपने को दिया हुआ है और वे संख्या हमको ज्ञात है ठीक है। तो सबसे पहले मानना कि प्रथम विषम संख्या बराबर x, पहली विषम संख्या जिसको हमने क्या मान लिया x मान लिया। अब उसके बाद में 8 क्रमागत विषम संख्या कैसे होगी किस प्रकार बनेगी, तो पहली संख्या हो गई x, दूसरी हो गई x प्लस 2, तीसरी हो गई x प्लस 4, चौथी हो गई x प्लस 6, पांचवी हो गई x प्लस 8 और छठी हो गई x प्लस 10, सातवीं हो गई x प्लस 12 और आठवीं हो गई x प्लस 14 ठीक है। तो ये हो गई कुल हमारे सामने 8 क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत यानी कि जो क्रम से आती जैसे 1 के बाद 3 आती, 3 के बाद 5 आती, 5 के बाद 7 आती, तो इसी क्रम से आने वाली संख्या क्रमागत लेकिन होनी चाहिए वो विषम ठीक है। अब हमको क्या करना है 8 क्रमागत विषम संख्या में इस प्रकार से नोट कर ली। अब हमारे को क्या करना है इसके अंतर्गत हमारे को औसत दिया हुआ है, औसत शब्द आ रहा है चाहे औसत लिखे चाहे माध्य लिखे चाहे समांतर माध्य लिखे, इन तीनों का मतलब क्या होता है एक ही होता है औसत, यानी जितनी संख्या हमारे को दे रही है उन सब संख्याओं का योग करके उसमें उतनी संख्या का भाग लगाना ठीक है। तो अगर इसके लिए हमारे को सबसे पहले सूत्र की आवश्यकता है तो हम इसके अंतर्गत सूत्र कौन सा एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स और एन का मतलब ध्यान नहीं है सबको आपके टोटल पद कितने हैं 8 है। अब आपके सामने 8 संख्याएं दी गई है, 8 संख्या का हमको योग करना है। तो सबसे पहले एक्स बार भी है, एक्स बार बराबर आपके राशि कितना है यानी माध्य दिया हुआ है औसत दिया हुआ है 16 ठीक है। उसके बाद में सिग्मा एक्स ये आपके सामने सारी की सारी संख्याएं एक्स बराबर दी हुई है। अब लेकिन अपने को इसका योग करना है तो सिग्मा एक्स कितने का हो जाएगा आपका एक्स प्लस एक्स ठीक है। अब आपके देखो 16 की जगह 16 तो इसलिए जैसे एक्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्स तो हो गए आपके 8 एक्स। अब संख्या कितनी इसके अंदर 2 4 6 6 12 8 20 10 30 40 42 की हम क्या करेंगे 14 जोड़िए तो 56 8 एक्स प्लस 56 बटे हुए 8 की जगह 8 आई है अपने पास में पर टोटल 8 है इसलिए ठीक है। अब हमको क्या आठ एक बार मुझे आठ नाम है
दिया हुआ था और हमारे को क्या है कि आठ संख्या याद करनी, तो आठ संख्या हमने इस तरह से याद करनी है। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या है कि सवाल अगर परीक्षा में से दे देते हैं तो हमारे को उस तरीके से याद करना है। अब आज हम एस डब्ल्यू के रूप में क्या करेंगे, एस डब्ल्यू में आपको समांतर माध्यम के गुण दोष लिखेंगे। ठीक है, जिस तरह से हमने निकाला आपको माध्यम के गुण दोष दिए थे, आज हम समांतर माध्यम के गुण दोष लिखेंगे। आपकी किताब में, आपकी पुस्तक में पेज नंबर 279 है, उसके ऊपर आपके दिया हुआ है समांतर माध्यम के गुण दोष, तो वो हमारे को आज लिखना है। ठीक है, एच डब्ल्यू की कॉपी में तारीख डालना आज की और समांतर माध्यम के गुण दोष लिखेंगे। ठीक है, और कोई समस्या आ गई, कोई प्रश्न समझ में नहीं आ गए तो वापस हमारे को पूछना। ठीक है, धन्यवाद।